तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, क्या जरूरत है सड़क पर इतना हंगामा क्रिएट करने की? और मैं बस उसे रोकना चाहता था, उसका दिमाग ठिकाने लगाना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से मेरे और उर्वा के बीच में डिस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। अरसल, ऐसा नहीं है, तुम सोचते हो ऐसा। कोई भी थर्ड पर्सन तुम दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट नहीं करा सकता। ये तुमने खुद किया है, अपने हाथों से उर्वा को अपने से दूर किया है। डैड, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप हर बात का ब्लेम अरसल को क्यों देते हैं? वो ठीक तो कह रहा है। वो क्या नाम है उसके एक्स हस्बैंड का, व्हाटसोएवर, वो क्यों इन दोनों के बीच में आ रहा है फिर मुझे बताइए आप। मुझे तो लगता है कि उसका और उर्वा का अभी तक, फॉर गॉड सेक बस कर दें। ऐसी कोई भी बात मुंह से मत निकालें जिसमें जरा सी भी सच्चाई ना हो। लेकिन आप खुद सोचिए फिर वो क्यों पीछे लगा हुआ है। हो सकता है उर्वा की खुद की मर्जी हो। अरसल और उर्वा का रिश्ता इस स्टेज पे पहुंचाने में I'm sorry to say, आप ही का हाथ है। आप हमेशा हर बात को नेगेटिव अंदाज में उसके दिमाग में डालती हैं। मुझे आप क्यों कह रहे हैं? प्लीज, आप लोग लड़ना झगड़ना बंद करेंगे या मैं ही उठ के चला जाऊं। अरसल, बात सुनो। आप हमेशा ऐसे करते हैं। मैं नहीं, आप हमेशा उसका मूड और दिमाग खराब करती हैं। फरहान, आज खाना लगा दिया मैंने। अरे क्या हो गया है, कब से मुंह सुजा रखा है? गुस्सा था उमेर पे, निकाल दिया ना, अब मुझे क्यों नखरे दिखा रहे हैं? मैं कौन हूँ तुम्हारा? कौन? तुम्हें अंदाजा है शौहर हूँ मैं। तो अंदाजा क्यों लगाऊं मैं इस पे? शौहर तो है ना आप मेरे। तो ये क्या ले गया मुझसे बात करने का? क्या मतलब? तुम मुझसे तमीज से बात क्या करो। वरना क्या? अरे फरहान, क्या हो गया इसको? कहीं तावीज उल्टा तो नहीं पड़ गया? तावीज तो मैंने जलाया ही नहीं। अय अल्लाह, वो कहीं अम्मी और फरवा के हाथ ना लग जाए।